भाजपा की 62 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव अभिकर्ताओं के कोषाध्यक्षों की बैठक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनी थापर की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों के कोषाध्यक्षों के साथ बैठक की गई है, जिसमें 62 विधानसभाएं ऐसे कोषाध्यक्षों को भाजपा की चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनी थापर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव खर्चे को सही ढंग से हिसाब किताब कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्प दंत जैन ने कहा। बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे कार्यक्रम शुरू होने का, बहुत से लोग बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित गोरखपुर क्षेत्र की आज इलेक्शन एजेंट और इलेक्शन एक्सपेंड की गई है। इसमें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरविंद मेनन जी, राष्ट्रीय मंत्री आपकी कृपा हो जाएगी तो हो जाएगी सर, नहीं कृपा यहाँ जो एकदम क्लियर है। और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की नेशनल ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट मैडम श्री बेनी थापर जी आई हुई हैं। इनके बारे में मैं ये बताऊंगा कि इनके पिताजी थे सन 80 में, तब से वो सीए का काम हमारी पार्टी का देख रहे हैं और मैडम आज भी हमारी पार्टी से लगी हुई हैं और ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सारा लेखा जोखा मैडम करती हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि मैडम का ताली बजा करा देते हैं। हमारे क्षेत्र के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री पुष्पदंत जैन जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अब सभी मंच अपने अतिथियों से अनुरोध है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जरा भैया कंजूसी नहीं करो, ताली बजाओ। हमको है अच्छा, हमको देना है। तो कितने के लिए आए हैं, कितने नहीं आए, कुछ बात नहीं, एक बार सुनो ना, ये एक बार बोल लीजिए फिर कितने जिले से ले। आप जो है कई बार उनकी मुलाकात हुई और काफ़ी समय से आप पूरे भारतवर्ष पर भ्रमण करते हैं और अपने भारतीय जनता पार्टी का कार्य देते रहते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर हमारे बीच मंच पर हमारे सहयोगी सर कोषाध्यक्ष क्षेत्रीय श्री अनुज जी अग्रवाल और यहाँ पर गोरखपुर के कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता जी, यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित 12 जिलों से सभी सम्मानित कोषाध्यक्ष जी और चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनके सभी अलेखा जोखा देखने वाले सहयोगी बंधु और चुनाव एजेंट, मैं आप सभी का इस मंच से स्वागत करता हूं और उन लोगों को आज जो यहां पर समय आप लोगों को दिया गया है, बताया गया है, इसलिए कि चुनाव हमें का 3 तारीख और 7 तारीख दो चरण नहीं करता गोरखपुर क्षेत्र का है, तो उसको किस तरह से व्यवस्था बने, आगे हिसाब किताब किस तरह से रखा जाए, इसके लिए विस्तृत रूप से आप सबको एक ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोग्राम है कि हमारा चुनाव जीता हुआ चुनाव हिसाब किताब के इरादे का ठीक से न रखने के कारण वो उसमें परेशानी आ जाती है। बैठक हो रही है कि संबंध ये भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और यहाँ पर अनुशासन और कार्य करने का एक अपना अलग पद्धति है, तो इसी को लेकर के अभी चुनाव नज़दीक में है तो यहाँ पर हम लोग
पूरे गोरखपुर क्षेत्र में 12 ज़िले हैं और 12 ज़िलों से हमारे जो जिला के कोषाध्यक्ष हैं और जो अभी प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके जो एजेंट हैं और अकाउंट से संबंधित जो कार्य देख रहे हैं उन लोगों की एक प्रशिक्षण जो है यहाँ पर रखा गया है। तो हमारी वेनी थापर जो है दिल्ली से सेंट्रल अपने जो हम लोगों का है केंद्र वहाँ से सीए हैं तो ये आई हुई हैं और लोगों को हिसाब रखने के बारे में अकाउंट्स रखने के बारे में किस तरह से मेंटेन करें उसी के बारे में यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए आई हैं और सब लोग इसमें आए हुए हैं पूरे 12 ज़िलों से। इसी के लिए एक निमित्त हम लोग बैठक रखें।